एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगा आपसे वो उपाय जो कि आपके आसपास या आप खुद या आपके परिवारजन में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रसित है तो ये एकमात्र उपाय आपको किसी भी रोग से निजात जो है वो दिलवा सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली छठा घर कुंडली के अंदर यानी कि हॉरोस्कोप के अंदर सिक्स हाउस जो है वो कहा गया रोग को देने वाला, यानी कि इस घर से हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर यदि कोई रोग है उसको जान सकते हैं। और इसी घर का जो कारक ग्रह है यानी कि स्वामी कारक स्वामी जो है वो है मंगल, यानी कि हम बात कर रहे हैं भगवान श्री हनुमान जी की। तो इसका क्या अर्थ है, यदि हम हनुमान जी से संबंधित अगर कोई उपाय करते हैं तो वो आपको एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्योर कर सकता है, यानी कि आपको किसी भी रोग से जो है वो निजात दिला सकता है। पर इसका आपकी बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है उसको समझने की आवश्यकता है। मंगल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी बात कर रहे हैं। और जैसे कि संबंध राम और हनुमान का था, यानी कि भगवान श्री हनुमान जी और भगवान श्री राम जी का जो संबंध था, यानी कि जो रिश्ता आपस में एक दूसरे का था, ठीक वैसा ही रिश्ता हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का और हृदय का होता है। यानी कि ब्लड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, भगवान श्री हनुमान जी को, और जो हृदय है वो भगवान श्री राम को, क्योंकि वो रघुवंशी सूर्यवंशी कहे गए भगवान श्री राम। तो इसका क्या अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब ब्लड जो है वो आपके शरीर के हर एक अंग तक जो जो भी जिस जिस अंग को जो जो मिनरल्स विटामिंस चाहिए वो आपका रक्त उन अंगों तक पहुंचाता है। और इस रक्त को पहुंचाने का काम वो हार्ट यानी कि हृदय वो करता है जो कि सूर्य एस्ट्रोलॉजिकली जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो इनका एक अटूट नाता है, अटूट निष्ठा है। दोनों देखा जाए दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं, तो इन दोनों का संबंध भी जो है वो आपस में ऐसा ही है। तो एक छोटा सा उपाय, यानी कि अब अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, कोई भी रोग हो सकता है, आप बहुत ही एक सरल सा उपाय है कि मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन एक ध्वजा जो कि भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर के ऊपर तिकोन ध्वजा, उसके ऊपर चंदन से नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा, ये अगर लिख करके आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के ऊपर अगर ध्वजा जो है वो लगाते हैं तो आपके सभी रोग सभी कष्ट जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं। और दूसरा जो उपाय, जो कि चोला हम हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का और चमेली के तेल का चढ़ाते हैं, वो वास्तविकता में वो जो रंग है वो भगवान श्री राम का रंग है। और वो रंग जब हनुमान जी के ऊपर लगाया जाता है और वो भी श्री राम राम का उच्चारण करते हुए, तो आपके शरीर से सभी रोग जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं। अब केमिकली या टेक्निकली आपकी बॉडी के अंदर ये कॉम्बिनेशन हार्ट का और ब्लड का कॉम्बिनेशन है, और जब जब आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे अब आपका रक्त और आपका हृदय ये दोनों मिलकर के आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में लग जाते हैं। और ये ताकत है भगवान श्री हनुमान जी का उपासना करने की। और हृदय जो कि भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करता है यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों मिलकर के आपकी बॉडी को जो है वो स्वस्थ बना देते हैं। तो ये उपाय जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आप देखते जाएंगे कि यदि कोई भी रोग है आपके शरीर के अंदर वो दूर होता चला जाएगा। तो आज्ञा चाहता हूं एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सबको दिल से ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार, आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।